आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो जेनेटिक मैप्स होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी मैप यूनिट चाहिए होती है, तो वो जो है वो है हमारी सेंटीमॉर्गन। अब ये सेंटीमॉर्गन क्या है, ये हमारी यूनिट है ऑफ मेजरिंग जेनेटिक लिंकेज। ठीक है, ये हमारे जीन्स में जेनेटिक लिंकेज को देखने के लिए ये यूनिट होती है। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो सबसे पहले इसको और डिफाइन करेंगे। तो ये जो सेंटीमॉर्गन है ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन क्रोमोसोम पोजीशंस। ठीक है, क्रोमोसोम पोजीशन के बीच का ये डिफरेंस होता है, फॉर विच जिसके लिए जो इसका एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर है, एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ इंटरवीनिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर होने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितना होता है, क्रोमोसोमल क्रॉसओवर इन अ सिंगल जनरेशन इज, सिंगल जनरेशन कितना होता है, 0.01। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वो डिस्टेंस है हमारे क्रोमोसोम की पोजीशंस के बीच में जहाँ पर जो क्रोमोसोमल क्रॉसओवर है एक जनरेशन में वो 0.01 होता है। तो 0.01 से क्या मतलब हुआ, 1% क्रॉसओवर होता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। ठीक है, क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।